अब जब न्याय की उम्मीद में पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट रहा था तो उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त पुलिस और उसके आला अधिकारी पीड़िता को न्याय से इतना दूर कर रहे थे कि आज तक न्याय उसके लिए दूर की कौड़ी बन गया है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट से लेके उम्र तक में झोलझाल है। 4 जून 2016 को जब परिवार वालों को पता चला कि उनकी बेटी अब गर्भवती है, वह नाबालिग अब पेट से है, तो थाने में इस मामले को लेकर पहुंचे। पहले तो पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब सुना तो ऐसा खेल कर दिया कि आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हो गया। स्तर पर इस मामले को लेकर जब हल्ला मचा तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, एक जाल बनाया, एक ट्रैप किया। उस आरोपी को पुलिस आनन फानन में उठा लाई, 2-3 घंटे थाने में भी बैठाया, लेकिन फिर उस आरोपी को छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा खेल तो यह था कि पीड़िता SC ST परिवार से थी। इस परिवार की पीड़िता को एक मुआवजा दिया जाना था जिसको सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने भी तय किया है, लेकिन वो मुआवजा भी उसे नहीं मिला। मुआवजे के बाबत जब अधिकारियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा इस बारे में अगला अधिकारी देखेगा। ये बात कहकर वो लगातार टालते गए और पीड़िता 2 साल तक बिना किसी मुआवजे के इस पूरे मामले में न्याय की आस लगाए बैठी है। पुलिस की उदासीनता ने इस पूरे मामले को इस कदर पेचीदा बना दिया कि पीड़िता आज तक अपने लिए न्याय की आस में बैठी है। SC ST होने के बावजूद भी उसे मिलने वाली सहायता राशि आज तक उसे नहीं मिली। इस मामले में हर अधिकारी एक दूसरे पर ही अपनी जिम्मेदारियां डाल देता है। पीड़िता आज तक अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। इस मामले में पुलिस ने खूब नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, पीड़िता की उम्र बढ़ा दी है, इसके साथ उसका मेडिकल देर से कराया है। यही नहीं, लंबे समय तक आरोपी यानी 2 साल तक आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर रहा है, वो आज़ाद रहा है और घूमता रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना भी मुनासिब नहीं समझा। समय बीतता गया तो उसी के साथ जांच अधिकारियों के तबादले भी होते गए, जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 2 साल का एक बड़ा वक्त बीत गया, लेकिन जांच शून्य पर ही अटकी रही। जब भारत खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करनी चाहिए तो कई चौंकाने वाले तथ्य और रहस्य सामने उभर के आए, जिसमें पुलिस के ऊपर सीधा सीधा इस मामले को तोड़ने मरोड़ने का भी आरोप लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पीड़िता को कितना न्याय मिलेगा। ये वो स्थान है जहां पर एक ऐसी अमानवीय घटना घटी है जिसको सुन करके ही रूह कांपती है। उस गांव के ही व्यक्ति ने उसको शादी का अनुदान दिलाने के नाम पर यहां से लखनऊ के नाले जाकर अयोध्या से यहां के तहसील पड़ती ननपारा, इन जगहों पे घुमाते हुए उसको अपने साथ कई दिनों तक रखा और इन दिनों के वो उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और उस नाबालिग लड़के के शरीर का वो चीरहार करता रहा। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये हम खड़े हैं आज उसी नाबालिग लड़की के घर पे, दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से, कहेंगे कि उसके घर की स्थिति को दिखाएं जिससे हमारी जनता को, ये दर्शकों को ये आभास हो सके कि क्या हाल है उसके घर का, किस परिस्थितियों में रह रही है और उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों का हृदय नहीं पसीजता है कि वो क्या कर रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं उस लड़की के पास में और जानना चाहेंगे उसी की जबानी कि क्या हुआ था उसके साथ उस दिनों में। क्या हुआ था आपके साथ जब ये कुछ महीने पहले, क्या हुआ था आपके कुछ 2 साल पहले, क्या हुआ था आपके साथ में? चार बदन लेके गया कहीं, तेरा सादे रुपया छोड़ा दिया बाहर, छोड़ा बाद कहीं चलो लखनऊ जोधिया ले गए, जोधिया 4 दिन राखी कोटल लिए और बाद में कहीं कि तो का चाकू मार दिया बाहर। तो तुम्हारे साथ सारी शोषण करते रहे तुम्हारे साथ? हाँ। अयोध्या में भी? हाँ। और फिर ननपारा तुमको ले गए थे क्या? हाँ, ननपारा ले गए। ननपारा क्यों ले गए थे? कहीं की शादी रुपए छुड़ाए थे तेरे। अच्छा। यहाँ ये और तुम्हारे 4 दिन हुआ रखे, 4 दिन ननपारा रखे। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में हाँ, यहाँ कौन कौन है तुम्हारे घर पे, कौन कौन रहता है?
मेरे जो पापा मेरे हैं, चाची हैं, भाई है, हम हैं। भाई तुमसे छोटा है? हाँ, हमसे छोटा है। अच्छा, कितना बड़ा है भाई तुम्हारा? अब भाई ने बताया। अच्छा, तुम्हारे साथ तुम्हारी उम्र कितनी है इस समय? इस समय जी हम बता नहीं पा रहे। अच्छा, तुम्हारे साथ घटना की तब कितनी उम्र थी तुम्हारी? 14 साल थी। दो साल बीत गए घटना को। तुम्हारा बच्चा हुआ है? बच्चा हुआ, जब तुम्हारा हुआ तो उसमें होने तुमको तकलीफ, वहाँ अस्पताल में तुमको वो तकलीफ हुई क्या? क्या कहा गया वहाँ? धमकी दी है। कि तुमको मार देंगे? मार दे भाई, कहीं बच्चा बदलावे, कहीं बच्चा बदला दियो, उनका खून निकाले, हमारा खून निकाले, उनका खून निकलवे नहीं करे। अच्छा, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था उनका खून नहीं निकाला गया? ना निकाले। ये है इस अबोध बच्ची का हाल। बयां करते हुए मेरे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब इस खबर को कर रहा हूँ तो मैं भी ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कैसे इस खबर को करूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस बच्ची के साथ जो ये हुआ, शासन प्रशासन अगर संज्ञान ले तो शायद आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक बात और भारत खबर ये दोहराना चाहेगा कि यहाँ पर जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं इसमें इन लोग के लिए अनुदान की बात भी की जाती है। आज तक ऐसा अनुदान उनको अनुदान नहीं मिला। जरूर कहना चाहूँगा, एक छोटा बच्चा है, उसकी परवरिश और इस बच्चे के साथ अगर सरकार द्वारा अनुदान मिलता है तो शायद इसके जख्म में कुछ मरहम का काम हो सके। 2 साल से आरोपी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पूरे मामले में हीला हवाली ही करती रही। जब मामला मीडिया में गर्म हुआ तो आनन फानन में पुलिस ने उस आरोपी को 2 साल के अंतराल के बाद गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई भी अनुदान राशि उस पीड़िता को नहीं दी गई। वहीं अभी तक पीड़िता और बच्चे के डीएनए रिपोर्ट को भी नहीं मंगाया गया है, या यूं कहें डीएनए रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आ पाई। यहां तक कि इस पूरे मामले में अभी तक चार्जशीट भी नहीं हुई है। अब क्या कहें इसको, ये सिस्टम है या फिर नियम? जून महीने में 2016 में एशिया थाने पर 376 आईपीसी व 3110 SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस समय मेडिकल की जो कार्रवाई हुई थी उसमें डॉक्टरों की राय के अनुसार DNA टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। वो रिपोर्ट उसमें बार बार अनुस्मारक भी गए हैं किंतु अभी तक रिपोर्ट आ नहीं पाई है। मैंने भी DO लेटर लिखा है, प्रयास हो रहा है कि वो DNA रिपोर्ट हमें प्राथमिकता के आधार पर जल्दी प्राप्त हो जाए। इसी बीच ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसके साक्ष्यों की और समीक्षा की, IO से बात किया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अभियुक्त चंद्र प्रधान वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब इसे क्या कहें, ये सिस्टम की ही तो मार है, जहां पर एक पीड़िता अपने लिए न्याय पाने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस का कहना है जांच अभी बाकी है। अरे 2 साल का साहब वक्त बीत चुका है, जांच कैसी बाकी है? इस तरह तो एक दिन वो आरोपी मर के ऊपर भी पहुंच जाएगा, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाएगा। फिलहाल भारत खबर की एक मुहिम है इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। देखते रहिए भारत खबर।